आपसे क्या कही कि आपके जो है घर में जो है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कही मैंने आपसे? आपका जी दिमाग ठनक गया होगा कि भाई जी मेरे कौन सी भूत बाधा है मेरे घर में, जी है? और लेकिन इसमें जो है, क्योंकि ये हमारी कुंडली अभी हमें सही नहीं दिख रही, ये जो हमारी ये टेबल है ये सही नहीं है, अभी इसमें चेंजेस होंगे, जी तो हम उसको सही करेंगे, अगर मैम जिसकी तब हम पहले तंत्र बाधा देखेंगे। जी दूसरा जिसकी सही रहेगी तो उस पे क्या उपाय किया जाएगा, जिसकी मतलब आएगी कुंडली में सही रहेगा। अगर किसी के कुंडली में अगर तंत्र बाधा आ जाती है मान लो, तो ये भी चीज पता लग सकती है इसमें कि किसने कराया होगा, ये भी पता चल जाता है। जी ये भी पता लग जाएगा। इसका कैसे पता लगेगा? जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसमें हमारा जो है शरण आ रहा है, जी सैटर्न दे रहा है हमें, हमने अभी जो है नक्षत्र नाड़ी देखी थी इसमें सैटर्न ही तो बता रहा था, जी एनएल बता रहा था, सैटर्न एनएल। एनएल अब ये सन का एनएल जो ये सैटर्न है ये हमारा किस घर में बैठा, ये बैठा है आपका शनि किस में बैठा है आपका? आठवें घर में। आठवां घर क्या होता है? ससुराल का होता है। मैम इसमें 8वें में नहीं हुआ तो कि राशि चार्ट नहीं देख रहे क्या? राशि चार्ट में डाला नहीं कि नहीं नहीं? कसपल की बात हो रही है ना, कसपल जब थ्योरी करेंगे तो केवल अच्छा होती है, अच्छा कसपल देखा है। तो या तो यह ससुराल से कुछ तांत्रिकी हो सकती है घर में, या फिर जो है हम कह सकते हैं कोई अघोरी, कोई शमशान का कोई आदमी, वो तांत्रिक। तो शनि किसके घर में बैठा है मैम? शनि 8th हाउस में बैठा है ना, यहाँ केपी चार्ट में। फिर से बताइए मैम क्या? मैम शनि कहाँ वो बैठा है? दूसरे का घर शनि रेड कार्ड है तो शनि शनि केपी चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है इस समय? इस समय ये 8वें घर में बैठा है शुक्र की राशि में। आठवें घर में बैठा है। आठवां घर किसका होता है? ससुराल का होता है, 8वां साउथ साउथ वेस्ट ससुराल का होता है, ससुराल का। रिश्तों में, रिश्तों में। हाँ आठवां साउथ का साउथ ससुराल का वेस्ट ही थोड़ी होता आप पे है। तांत्रिकी करेगी, तांत्रिकी कौन करता है? आदमी करता है, रिश्ते करते हैं, जी ससुराल से या गोरी से हो सकता है। मान लो दूसरे घर में बैठ जाए शनि तो कोई घर का आदमी कर सकता है, फैमिली का। तीसरे घर में बैठ जाए तो कोई पड़ोसी कर सकता है। मैं थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा रुक रुक बोलिए। दूसरे घर में दूसरे क्या घर घर में, का दूसरे आदमी? घर में यदि 8th का कसपल सब लॉर्ड मान लो आपका सैटर्न बना और वो हम पे तांत्रिकी का हमें योग दिखा रहा है घर में, तो वो यदि 2nd हाउस में बैठ गया तो किसी फैमिली के द्वारा, फैमिली मेंबर के द्वारा कोई तांत्रिकी हो सकती है। 3rd हाउस में यदि बैठ जाए तो कोई पड़ोस का आदमी करा सकता है। 4th में यदि बैठ जाए तो माँ या माँ जैसी कोई हो। 5th हाउस में हो तो संतान के कारण हो सकता है। 6th हाउस में हो तो कोई नौकर हो सकता है, कोई साथ काम करने वाला हो सकता है। 7th में हो तो खुद जो है पति पत्नी में से जो भी होगा वो हो सकता है, या पार्टनर हो, कहते हैं हवा लग गई है, इस तरह का असर जो हो जाता है, मीठा खा के चले गए कुछ हवा लग गई, वो इससे हो जाता है 12th हाउस से। जी इस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते हैं और इनका उपाय हमारे पास, हमारी उसमें तो हमारे पास इनका उपाय केवल एक ये है कि घर में धुनी लगाइए, घर में पूजा पाठ करिए, जो हमारी जो धुनी बना रखी है हमने उसमें जो है 7 तरह के जो है इसमें सामान मटेरियल डाल रखा है, जटामासी वगैरह बहुत मटेरियल है इसमें, उसको यूज़ करिए। और कुछ भी नहीं है तो सिंपल धुनी लगाइए, कपूर का यूज़ करिए, हमारी लिस्ट में यही उपाय हैं, भगवान की शरण में जाइए। जी ठीक है, ये आपको तंत्र बताइए मैंने। इसके बाद एक चीज और देखिए कि हम जो है अपना टुडे राशिफल जो हम देखते हैं, बोलिए मैम बोलिए एक बोलिए। मिनट थोड़ा। जिस अगर मान लो जिसके घर में ये होता होगा तो परेशान करता होता नहीं समझ रहा, कट आ रही है, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में अगर आ रहा है तो जिन घर में जितने लोग रहेंगे वो तंत्र बनाकर कुछ होगा तो सबको परेशान करेगा ना? आप
आंधी आ रही है, आंधी में जो है कि सबकी आंखों में धूल घुसेगी, एक के में घुसेगी, ये बात। नहीं सबके में घुसेगी मैम। तो जब अगर घर में कोई हाँ, क्योंकि नेगेटिव किसी चीज के है तो पॉजिटिव, असर तो किसी होगी किसी के भाई। पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव ओरा जास्त होगा भाई तो उनको देखो, इफेक्ट नहीं कर घर सकता है है ना। ये चीज क्या है, इस आदमी के अकॉर्डिंग इसके घर में ही परेशानी आ गई, तो घर में तो सभी लोग रह रहे हैं। सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो नमक सभी को ज्यादा लगेगा, ऐसे थोड़ी है कि जी उसे नहीं लगे बाकी सबको ज्यादा लगे। इफेक्ट जी सबको आएगा, ये इफेक्ट सबको आता है। जी नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं इसमें तो नहीं है, इस कुंडली में नहीं है, ये तो कुंडली गलत है ना आपकी। फिर कैसे मन में ला रहे हो, नहीं है ना हाँ हाँ दीदी। इसका टाइम चेंज करो, टाइम सेट करो इसका, इसमें नहीं है। आपको देख के मुझे नेगेटिविटी कोई महसूस नहीं होती, तो मैं नहीं कह सकती आपके घर में कोई नेगेटिविटी है। मैम इतना पढ़ाई कैसे होती है ना, किसी के फोटो देख के उनके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पता चलता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना मैम। बोलने का नजरिया पता होता है, हम तो आप सबको देख के समझा सकते हैं, समझ सकते हैं आप कितने पानी में हो। मैम मेरे पिक्स देख के भी बहुत सारे ऐसे 2-3 मिल गए थे मुझे, ऐसे बोल रहे थे पॉजिटिविटी हो रहा तुम्हारा ज्यादा है। मुझे पिक देख के कैसे आता है मैम, ऐसे समझ आगे नहीं देखा पिक देख के, सेल्फ रियलाइजेशन सामने से नहीं पिक्स से। सेल्फ सामने से नहीं रियलाइजेशन देखा वो सेल्फ रियलाइजेशन जो कोर्स होगा अभी, उसमें ये चीज है। को। ओके अब डेली ट्रैकर कैसे निकालना है जल्दी ये समझो।